आज का हमारा न्यू टॉपिक है फिनोलेक्स। फिनोलेक्स देखो कैसी स्ट्रक्चर होती है, देखो इसकी ऐसी, ये बेंजीन है एरोमेटिक और इस पे OH ग्रुप, येलो जी, ये बन गया फिनोलेक्स, ये बन गया फिनोलेक्स। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको ये, प्लांट्स में। अच्छा, ये जो फिनोलेक्स है उसे कुछ एमिनो एसिड भी बनाते हैं, उसे कुछ अमीनो एसिड भी बनाते हैं, उनका मैं नाम लिख रही हूँ, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिनाइल एलानिन। ठीक है, कोई यूज़ फिनोलेक्स का यूज़ तो होगा ही ना, ऐसे तो पढ़ने वाले हैं नहीं बिना यूज़ के। ये है अपने डिफेंस के लिए काम आता है, डिफेंस किसके अगेंस्ट, डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर। अच्छा, ये हर्बीवोर के लिए डिफेंस क्यों शो कर रहे हैं, मतलब जैसे ये प्लांट है इनमें जो फिनोलिक कंपाउंड है ये डिफेंस क्यों शो कर रहा है, वो भी हर्बीवोर को लेके, क्योंकि हमें पता है जो हर्बीवोर है वो किस पे फीड करते हैं, हर्ब्स पे, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि प्लांट्स के ये वेजिटेरियन खाते जाएंगे से तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ये भी तो अपना कुछ डिफेंस रखेंगे, अपना कुछ डिफेंस रखेंगे इनके अगेंस्ट कि ज़्यादा अमाउंट में ना खाए। कुछ लोग तो फिज़िकल डिफेंस रखते हैं कि भाई कांटे उगा लेते हैं, ठीक है, कुछ अपनी स्मेल के थ्रू रखते हैं डिफेंस कि उनकी स्मेल ही ऐसी होती है कि जो प्राणी हैं, जो हर्बीवोरी हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब दूर रखते हैं। ठीक है, और क्या ख़ास बात है इसमें, और ख़ास बात ये है कि अब्सॉर्ब कर सकते हैं एक लाइट, और उस लाइट का नाम है आप सब जानते हो यूवी लाइट। यूवी लाइट ये एक फिनोमिना भी शो करते हैं जिसे बोलते हैं एलीलोपैथी। ये क्या होती है, मतलब एक जो प्लांट होता है ना, एक जो प्लांट है वो अपने आजू बाजू और किसी भी तरीके के प्लांट्स को भटकने भी नहीं देगा, कोई प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर से, अपनी रूट के अंदर से एक तरीके के फिनोलिक कंपाउंड को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से बाकी और कोई प्लांट आसपास में ग्रो नहीं कर सकता है, यही फिनोमिना कहलाती है एलोपैथी। चलिए अब बायोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं फिनोलिक्स की, कि कैसे बन रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक्स, बायो सिंथेसिस। मैंने क्या बताया था, तीन अमीनो एसिड बताए थे, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइल एलेलिन, तो यहाँ पे हम लेंगे फिनाइल एलानिन। इससे क्या बनता है, इससे बनता है ट्रांस सिनोमिक एसिड, याद चुका है CSIR में, इससे इसके बाद में क्या बनता है, पैरा काउमेरिक एसिड, ये भी आ चुकी है, इससे बनता है पैरा काउमेराइल एसिड, ये ट्रांसफॉर्म होता है चालकोजिनोन्स में, इसके बाद में ये फ्लेवेनोज बनाता है, ये भी पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है, फिर ये बनाता है फ्लेवेनोइड्स, ओनोइड्स, और फिर लास्ट में बन जाएगा हमारा टेनिन्स। टेनिन्स भी किस में आता है, फिनोलिक्स में आता है, फ्लेवेनोन्स भी फिनोलिक्स में आता है। अच्छा, तो अब फिनाइल एलानिन से ट्रांस सिनोमिक एसिड बन रहा है, तो इसके लिए कोई एंजाइम चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, चाहिएगा, लाइज, कौन सा लाइज, फिनाइलएलानिन, अमोनिया लाइज। इसकी मदद से जो फिनाइल एलानिन है वो बनाता है ट्रांस सिनोमिक एसिड,
ट्रांसनोमिक एसिड बनाता है? पैराकाउमेरिक एसिड, पैराकाउमेरिक एसिड बनाता है पैराकाउमेराइल एसिड, ये किसके अंदर से बनाता है? को ए एस एच की मदद से। पैराकाउमेराइल से बनता है चालकोजिन्स, और ये बनते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम चालको सिंथेस। अब चालकोन्स से बनते हैं फ्लेवोनोन्स, फिर बनते हैं फ्लेवोनोइड्स, एंड देन फिर फाइनली बनते हैं कंडेंस्ड टैनिन। तो ये था बायोसिंथेसिस। अब बात करते हैं कि और क्या एग्जांपल है फिनोलिक्स के। फिनोलिक्स की एग्जांपल, फिनोलिक्स एग्जांपल, जैसे मैंने इससे प्रीवियसली टर्पीन्स के बताए थे, मैंने हेमी टर्पीन्स के भी बताए थे जो 5 कार्बन वाले हैं, जो 10 कार्बन वाले हैं, 15, 20, 40, ये किसके थे? टर्पीन थे। और इनके भी मैंने एग्जांपल बताए थे, इनका नाम क्या है फर्दर, और इनके भी क्या क्या एग्जांपल हैं और वो बताए थे। तो फिनोलिक्स इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, लिगनिन। पहला एग्जांपल लिगनिन लेते हैं। लिगनिन से हम सब फैमिलियर हैं, बिल्कुल ये प्लांट्स में ही मिलेगा, प्लांट्स के सेल वॉल पे मिलेगा, वेस्कुलर टिश्यू पे मिलेगा, और काफ़ी टफ होता है, काफ़ी टफनेस होती है। इसी वजह से तो ये स्ट्रेंथ देता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और ये क्या करता है? ये इनडाइजेस्टिबल होता है, इनडाइजेस्टिबल किसके लिए? फॉर पैथोजन्स। प्लांट्स के जो भी पैथोजन होते हैं वो उनको फीड ही नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। और क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। जो वेस्कुलर टिश्यूज थे जाइलम और फ्लोएम, इनकी जो अरेंजमेंट होती है उनको कोलैप्स नहीं करने देता, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स ये लार्जेस्ट ग्रुप है फिनोल का, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फिनोल, ठीक है। 15 कार्बन कंपाउंड है। अब इसको फर्नेस एल्वोसिस टर्पीन मत बोल देना, अब फिनोलिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज़ है, नॉट वो वाला जो अपन पढ़ रहे थे 5 कार्बन 10 कार्बन 15 कार्बन। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? इसका एक पार्ट है एंथोसायनिन, जो क्या है कि पिगमेंट देता है, कलर। फ्लेवोनॉइड भी इसका पार्ट है, ये भी कलर देता है लीव्स को, फ्लावर्स को। और क्या खास बात इसमें? ये अट्रैक्ट करता है किसको? पॉलिनेटर्स को। इतने सुंदर बनाता है ये कलर्स को, इतने सुंदर फ्लावर देता है कि पॉलिनेटर जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पर। तो ये था फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। एक और ले लेते एग्जांपल, काउमेरिन। ये भी क्या है? ये भी फिनोलिक्स ही है। ये कहाँ होते हैं? जो सीड कोट होता है वहाँ मिलेंगे और प्रिवेंट करेंगे, क्या इनहिबिट जर्मिनेशन। तो ये था फिनोलिक्स के बारे में। ये वाला फिनोलिक्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।